दोस्तों अनअकैडमी इंस्पायर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आदित्य कुलश्रेष्ठ है, प्यार से लोग कुल्लू बुलाते हैं। और नायक पिक्चर में जैसे अनिल कपूर ले लेता है एक दिन का सीएम बनने वाला चैलेंज, मैं चैलेंज ले लिया आज एक दिन का यूपीएससी एस्पिरेंट बनने वाला। और जैसे आपको हीरो बनने के लिए बम्बई जाना पड़ेगा, वैसे ही आईएएस बनने के लिए जहां आना होता है मैं आ चुका हूं वहां, राजेंद्र नगर दिल्ली में। लेकिन अगर तुम लोग मेरी तरह दिल्ली नहीं आ सकते तो अपने घर पे आराम से बैठ के ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। कैसे? एक स्पेशल मैसेज है मेरे पास, चेक दिस आउट। नमस्ते आदित्य जी, यूपीएससी में हर साल करीब 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से कुछ 1100 एस्पायरेंट ही अपने सपने को साकार कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको डे वन से एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर से पढ़ाई का मौका मिले तो फिर ये प्रिपरेशन उतनी भी इम्पॉसिबल नहीं है। और इस साल के पहले महीने से ही आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से चालू कर पाएं, इसलिए 2025 और 26 के यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए अनअकैडमी एक स्पेशल फाउंडेशन बैच लेके आया है। लेट्स क्रैक इट। तो आज दिन भर भाई साहब राजेंद्र नगर की गलियों में भ्रमण करेंगे, सीखेंगे आईएएस एस्पिरेंट का जीवन कैसा होता है। आपके लिए एक बहुत शानदार सा सरप्राइज है भाई साहब, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अपने ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर 50% ऑफ, जो कि वैलिड है 6 जनवरी तक। पहले पीजी में चले जाते हैं, उसके बाद पूरा दिन सॉर्ट करते हैं। चलो देखा दोस्तों, शाहरुख खान का एंट्री शॉट, पीजी में रहने वाले पहली बार जिंदगी में। क्या हाल है भाई? भाई ये होगा भाई अपना रूम पार्टनर, ये बनेगा आईएएस, मैं बनूंगा आईपीएस। लिविंग रूम अच्छा है, मैं बेडरूम देख के आया। ओ ओके, जो है यही है। स्ट्रगल 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 कहनी है भाई मेरे को, एक दिन का आईएएस एस्पिरेंट बनना है। तो तुम बताओ कि एक आईएएस एस्पिरेंट के जीवन की दिनचर्या कैसी होती है? सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आधा पौना घंटा तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। आधा पौना घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? आगे फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारा जीएस पेपर 1 चल रहा है अभी। ये टाइम टेबल एक दिन का बता रहा है या एक हफ्ते का बता रहा है? भाई वो छोड़ो, तुम ये बताओ चालू कहां से करूं मैं? यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या? पोस्टर? अरे नहीं, अबे किताबें। लो भाई ये किताबें हैं, ये लेके आ जाओ। दोस्तों आज का पहला टास्क मिल चुका है किताबें जुटाने का। अब दुनिया में सक्सेसफुल होने के दो तरीके हैं, कि आप अकेले दुनिया में परेशान हो, पसीना बहाओ, या दूसरा तरीका है कि आप समझदार दोस्त बना लो। हमने आते से यहाँ पे एक समझदार दोस्त बना ली है जो हमारी किताबें जुटाने में मदद करेंगी। रितु जी का बहुत बहुत स्वागत है। रितु जी कैसी है आप? रितु जी खुद भी एस्पिरेंट है, टीचर है, ज्योग्राफी पढ़ाती है, इसलिए मैंने इनसे आगे बात ही नहीं करी क्योंकि मुझे ज्योग्राफी का बिल्कुल जीरो नॉलेज है। तो आपको क्या लगता है एक एस्पिरेंट के दिन की शुरुआत कहाँ से होती होगी? मुझे अभी सबक मिल चुका है, दिन की शुरुआत होती है रिवीजन से। अरे यार रिवीजन से नहीं, चाय से। तो बढ़िया चाय मिलाती हूँ आगे और फिर करते हैं दिन की बेहतरीन शुरुआत। चलो भैया लाइए, दो चाय दीजिए। ठीक है चलो आ जाओ, चलो लोगों से बात करते हैं। चलो हेलो 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 हेलो। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं राजेंद्र नगर में देख रहा हूँ सिर्फ कपल ही कपल घूम रहे हैं। हाँ, ये तुम लोग क्या है, डेढ़ दो साल बाकी सब कपल यहाँ पे सिंगल घूम रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है। सब सिंगल तुम्हारे जीवन में भाई, रूम भी सिंगल, आदमी भी सिंगल, रूम भी सिंगल। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि रूम भी सिंगल है। मुझे भाई कितने टाइम से हो यहाँ पे? अभी भैया मेरे को हो गया 6-7 महीने हो गए। साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही समझ में? जी सर। तो साइकोलॉजी से है कोई? कट कट। मुझे बताओ यहाँ की लाइफ की एक बेस्ट पार्ट बताओ। यहाँ की लाइफ की बेस्ट पार्ट ये है कि सब लोग ज्यादा खुल के रहते हैं, सब लोग सबसे बड़ी बात है अपने आप से लड़ना, सबसे बड़ी। भाई इन पे क्लोज करो, अपने आप से लड़ना मेन है यहाँ पे। अगर अपने आप पे लड़ गए तो यूपीएससी तो कुछ नहीं है। और राजेंद्र नगर में रहने की एक जुगाड़ू टिप अगर बोलो कि जुगाड़बाजी की कोई बढ़िया टिप। पढ़ाई होना हो सर यहाँ पे, लैंडलॉर्ड की बेटी जुगाड़ है ये मैडम है, देखे आप साहब जुगाड़ और कोई नहीं है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। नाइस मैम, माय लाइक। चलो थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगो चलिए, आप मेरे को आज घुमाए, आज टूर गाइड बन जाए मेरी। पैसे लगेंगे उसके? अरे आप तो आज आपने क्यों सोचा मतलब ये चैलेंज करने का सडनली? यहाँ पे तैयारी कभी भी सोलो नहीं हो रही है, ग्रुप स्टडीज हो रही है। एक तैयारी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ यहाँ पे। ये है हमारी फेवरेट दुकान। ये क्या है? ये नोट्स है? हाँ ये सारे नोट्स है। अभी को चूज कैसे करना है? कैसे करना है? आंख बंद करके अक्कड़ मक्कड़ मोबाइल फोन करके।
एक मिनट, मेरा पूछना ये है कि तो ये किसी ने बनाए है, किसी इंसान ने? नहीं, ये जो टॉपर है हाँ, उसकी कॉपी है। तो हमारे जैसा आदमी तो ये काम कभी नहीं सकता कि राइटिंग ही समझ नहीं आई है किसी को। भाई एम लक्ष्मीकांत है लिखा है। हाँ, एम लक्ष्मीकांत दिखाई हुई है। अभी देखते हैं किताब का साइज, देख के पता चलेगा आपको। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट किया है। अब आगे आर्ट एंड कल्चर की है नितिन सिंघानिया। भाई साहब, तो इसमें तो ये एग्जाम में आता है क्या? हाँ हाँ, इसमें बस मुश्किल से 3 क्वेश्चन आएंगे 100 में से। 3 क्वेश्चन के लिए ये क्या है? 15 नंबर यहाँ से हो गए, 6 नंबर यहाँ से हो गए, इससे भी 10 से 15 नंबर का ही आया। पास हो गए अपन इसमें। वो इसके लिए कौन सी एफडी तोड़वानी पड़ेगी? कितने की हैं ये सब? 2330 रुपए की किताबें हैं। वापस करने आते हैं? वापसी होती है? होती नहीं, पता है 2 महीने बाद मूड बदल गया तो वापसी के है नहीं ना। अच्छा, आप ऐसे एडवाइस करते हो कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए आपको लगता है? सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा एंथ्रो का रहा है। एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों ऑप्शनल सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ आके पहला कदम आईएएस में पहले ऑप्शनल सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्री की तैयारी करते हैं। ये किताबें हो गई है, पहला टास्क पूरा होता है हमारा। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी का आधा दिन हुआ है और मुझे आने लगे हैं चक्कर, और मैंने कहा मैं मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाऊं, इससे पहले मुझे जो है कुछ खाना खिलवा दिया जाए, तो भाई साहब निपटाया जाए खाना। अरे भाई साहब एक सेकंड, इतनी जल्दी क्या है? अभी हम थोड़े सवाल जवाब करेंगे, थोड़ा जीके के जरूरी होता है यूपीएससी के लिए, पहले जवाब दो फिर खाओ। अंग्रेजों ने हमारे भारत में कितने साल राज किया था? 200 साल किया था। सही नहीं है? एग्जैक्ट बताना है। हाँ तो अरे दूसरा सवाल पूछो यार। तो एक दो सवाल आया था प्रीलिम्स में, वो बताओ गुची क्या है? गुची ब्रांड है भाई साहब, गुची प्राडा और फिर क्या है? मशरूम है, ये जो तुम्हें दिख रही है इसी का एक टाइप है। ये कोई गुची की सब्जी बना रहा घर पे? चलो इंडिया का फर्स्ट पीएम कब बना था? 1952। चलो सही दे दिया, चलो यार क्लैपिंग बनती है, बनता है। आप लोगों की क्या दिनचर्या होती है दिन की? जैसे भी एज अ टीचर भी हूँ मैं, तो उसमें क्या रहता है क्लास प्रिपेयर करनी होती है, और उसमें चले जाते हैं सुबह के 3-4 घंटे, फिर उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना 2-3 घंटे की वो रहती है, फिर उसके बाद ऑप्शनल तैयार करना, जब आप मेंस दे रहे हो तो ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल है, तो यार ऑप्शनल पढ़ना, फिर आंसर राइटिंग करना, बोल पूरा दिन इसी में, दिन के आपके 12 से 14 घंटे से पढ़ाई में ही जाएंगे, ये पक्का है। इन लोगों को मेरा स्क्रीन टाइम पता चल जाए ना तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। और ये तो लक्की खाना खा रहे हो यार, इतना अच्छा खाना मिलता है एस्पिरेंट को, तो एक दिन के लिए ना इसलिए ऐसा मिल रहा है। दाल में दाल नहीं है, रोटी में गेहूं नहीं है, मैदा है। अब हम जाते हैं थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करने, क्या कहते हैं तुम लोग? बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी। और सेल्फ स्टडी में शायद मुझे जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप डिस्कस करने वाला भी पढ़ने का मौका मिल जाए, और डिस्कस करने वाला भी कोई शख्स मिल जाए तो कैसा रहे। तो दोस्तों आ गए हैं अपनी पहली यूपीएससी की क्लास करने। तो दोस्तों अपने आईएएस बनने की जर्नी की शुरुआत आपको कर देनी चाहिए यहीं से, जैसे कि मैं भी कर रहा हूं। गाइस कुल्लू की क्लास का टाइम ओवर हो गया है, और देखते हैं इसने क्या तीर मारे हैं, क्या करे क्लास में, उसी से जानते हैं कैसी रही उसकी पहली क्लास। भाई साहब मजा आ रहे, कैसी रही? बहुत बढ़िया रही भाई साहब, क्लास क्वालिटी की क्लास अटेंड करके आ रहे हैं, पूरा समझ गए हैं कि मनी बिल क्या होता है, बजट क्या होता है, कौन किसको भेजता है। ओवरऑल आज पूरा दिन जो बीता है यहाँ पे भाई साहब ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारा, काफी मुश्किल जर्नी, और मेरी तरफ से भाई साहब सबको सल्यूट है, जितने भी एस्पिरेंट्स आपके जैसे यहाँ पे मेहनत करते हैं, अपना ज़िंदगी का इतना टाइम बिताते हैं, इतना रूटीन फॉलो करते हैं एवरीडे। और मेरा एक सवाल है कि इतना जब मोनोटोनस रूटीन आपको फॉलो करना है, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन, बीच में डीमोटिवेशन, थोड़ा सा खराब फील होना, थोड़ा सा याद आना, तो उस टाइम पे कैसे आप लोग कोप अप करते हो? मतलब मुझे ऐसा लगता है डीमोटिवेशन तो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट है, मतलब ऐसा होगा कि 3 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और फिर 4th दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, एकदम ऐसा डीमोटिवेट फील होगा, और हर किसी को ये लगता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, और ये तो बहुत सच में यार इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, इतनी डिफिकल्ट तीनों स्टेजेस हैं, इतना सारा सिलेबस है समुंदर जितना बड़ा, तो ये इसीलिए इतना डीमोटिवेट फील होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना सिलेबस है कैसे कवर करें, तो ऐसे में एक मेंटर का रोल भी आ जाता है। जैसे हम सब ने सुना है कि भैया जैसे कृष्णा नहीं होते तो अर्जुन का कुछ नहीं हो सकता, और चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते, तो ऐसा एक मेंटर का भी रोल है यार इसमें ना, कि यदि मेंटर नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप भटक जाओगे कि ये किताब ले ले या ये पढ़ ले या ये कर ले, तो
तो एक मेंटर वो होता है जो आपको बिल्कुल बताएगा कि ये ना कि सीध में ही चलना है, ना इधर ना उधर, और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। देखो ऋतु जी, दिन भर से मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, अब आप एक मेरी बात सुने। आपका एंड होना चाहिए ड्रामेटिक, थोड़ा फिल्मी टाइप का। आप मान लीजिए कि हम लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और आपका यूपीएससी क्लियर हो गया है और मेरा नहीं क्लियर हुआ है, तो आप आखिरी बार मुझे बताने आई हैं कि आपका क्लियर हो चुका है और आप अब जा रही हैं हमेशा। मानना ही पड़ेगा, रियल में तो मुश्किल है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है राजेश, मेरा हो गया है और तुम्हारा लग भी नहीं रहा हो पाएगा, तो आज के बाद हम नहीं मिलेंगे कभी भी। आई एम सॉरी। तो भाई साहब, इसी के साथ हमारा आज का एक दिन एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट जो है ख़त्म होता है। बहुत बहुत थैंक यू देवम भाई, आपने अपना रूममेट बनाया, हमको किताबें खरीदवाई, हमको पूरा घुमाया फिराया। बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, पहली बार यहाँ पे आया, पूरा एक्सपीरियंस किया लाइफ। और मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस करी वो ये है कि एवरी सिंगल पर्सन जो यहाँ पे एस्पिरेंट है वो डेडिकेटेड है एक स्पेसिफिक गोल के प्रति। बहुत सारे लोग ऐसे परिवेश से आते हैं जो उनके लिए एक मोटिवेशन होता है कि उनको एक अपने लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, वो उनकी आंखों में इतना ज़्यादा एविडेंट होता है कि वो एक स्पेसिफिक गोल की तरफ ही कार्यरत हैं, उनको और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखता, उनको और कोई फालतू की बात नहीं चाहिए। यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस भी है लेकिन उसी के साथ साथ यूनिटी भी है। लाइक लोग एक दूसरे को मदद करना चाहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं। एक जो वर्कशॉप ओनर है वो भी आपको सलाह देना चाहता है कि आपका एग्जाम कैसे बेहतर से बेहतर हो सकता है। तो जितने भी लोग बाग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अनअकैडमी इंस्पायर के पेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ अच्छी चीज़ लगी हो तो कमेंट्स में लिख के आप हमको बता सकते हैं। और मेरा नाम आदित्य कुलश्रेष्ठ है, लोग प्यार से मुझे कुल्लू बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो से जुड़ने का। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरा काम हो गया। भाई साहब सेल्फ स्टडी करनी है अभी। भैया मेरा एस्पिरेंट हो गया, मैं अब कॉमेडियन हूँ वापस, है ना। टाटा।